हेलो दोस्तों, आर एस सी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइट एंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ गत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी आज हमारे 10वें नंबर की क्लास है। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं जिनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली 9 क्लासे हैं जो उम्मीद है आप लोगों ने वो देखी होगी, पसंद आई होगी और इस क्लास को आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसका कथन है? जो लोकगीत है किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र, ये कथन किसका है? ये कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। देवेंद्र सत्यार्थी को लोक यात्री के नाम से भी जाना जाता है। लोक यात्री इस नाम से इन्हें क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया था। पूरे देश के अंदर जो भी लोकगीत गाए जाते हैं अलग अलग संस्कृति हैं, उन संस्कृतियों में लोकगीतों को इन्होंने अपनी अंतरात्मा से अच्छी तरह से फील किया था। इसी कारण देवेंद्र सत्यार्थी हैं, उन्हें लोकयात्री के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पंचमार्क सिक्के हैं उनके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया कि ये पंचमार्क सिक्के हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं एक बार बताइए आप। पंचमार्क सिक्के, तो जो पंचमार्क सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं राजस्थान के अंदर। कौन सा स्थल है वो, कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं बेराट से पंचमार्क सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर के अंदर बेराट सभ्यता है। बाबरू जो शिला लेख है वो यहाँ से प्राप्त हुआ था। बुद्ध धम और संघ इसके अंदर लिखे हुए थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? जो आलमशाही मुगलिया सिक्का है वो राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? वो प्रचलित था बीकानेर के अंदर। बीकानेर में जो 1759 ईस्वी थी उस समय बीकानेर के अंदर जो टकसाल है वो लगी हुई थी। इस टकसाल के अंदर आलमशाही जो सिक्के हैं उनका निर्माण किया जाता था। और जो बीकानेर टकसाल है वो शाह आलम के समय से प्रचलित हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्थान में जोरावा गीत है। जोरावा गीत कौन सा गीत है, क्या होता है इस गीत में? तो जोरावा गीत है राजस्थान में वो कहाँ गाया जाता है? जोरावा गीत जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध है। जोरावा गीत जैसलमेर में प्रसिद्ध है। इस गीत, ये एक विरह गीत है। विरह मतलब बिछड़ने वाला गीत है। इस गीत में जो पत्नी होती है अपने पति की याद में गीत गाती है। कौन सा गीत है? जोरावा गीत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? जो रावशाही सिक्के हैं वो कहाँ के हैं? रावशाही सिक्के हैं अलवर के। जो अलवर जिला है उसमें प्रचलित है रावशाही सिक्के के अलावा जो अलवर के सिक्के हैं वो उनमें शुमार है अखेसाई व रावशाही सिक्के कहाँ के फेमस हैं? अलवर के। अब देखते हैं हम, जो गादिया सिक्के हैं किस राज्य से संबंधित थे? जो गादिया सिक्के हैं वो संबंधित थे उदयपुर राज्य से। ठीक है, इम्पोर्टेंट सिक्के हैं ये राजस्थान के। जो पिछले एग्जाम हुए हैं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गादिया सिक्के कहाँ के प्रचलित थे? उदयपुर के। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो डोडिया क्या है एक बार सोचिए, डोडिया क्या है आप बताने की कोशिश कीजिए। स्त्रियों के कर्णाभूषण, ओढ़ने का वस्त्र, चादर या जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का? तो जो डोडिया है वो है जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो होलार राजस्थानी लोकगीत है वो किसके अवसर पर गाया जाता है? होलार राजस्थानी गीत गाया जाता है शिशु का जन्म होने पर जो होलार राजस्थानी गीत है वो गाया जाता है। होलार कोई दूसरे नाम से जाना जाता है, जच्चा लोकगीत के नाम से भी जाना जाता है इसे, होलार लोकगीत को जच्चा लोकगीत। और स्पेशली जब पुत्र पैदा होता है किसी घर में, बेटा पैदा होता है, उस टाइम ये होलार लोकगीत एक समूह के रूप में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। पटेलिया बीचियों एवं लालर क्या है हम लोकगीतों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उम्मीद है आपको पता ही होगा कि ये ओलिया पटेलिया बीचियों एवं लालर राजस्थानी लोकगीत हैं। कहाँ गाए जाते हैं? जो मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं।
आदिवासियों, मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत, द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत पटेले बीचू एवं लालर। इसके अलावा एक और है उस लोकगीत का, क्या नाम है, माच्छर। ये लोकगीत भी मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था, तो ऐसा कौन सा सिक्का था और कौन सी रियासत थी? तो जो बीकानेर रियासत है उसके अंदर सिक्का चलता था, उस सिक्के का क्या नाम था, गंगासाही सिक्का, गंगासाही सिक्का। जो महाराजा गंगा सिंह थे उनके समय ये सिक्का चलता था। महाराजा गंगा सिंह का जो बीकानेर में शासन काल था वो क्या था, इनका शासन काल था सन 1887 से 1943 तक। इस समय महाराजा गंगा सिंह है जो उनका शासन काल था बीकानेर के अंदर, और उन्होंने ही ऐसा सिक्का चलाया था जिनमें एक तरफ जो महारानी विक्टोरिया है उनकी तस्वीर लगी हुई थी और दूसरी तरफ जो महाराजा गंगा सिंह है उनका नाम लिखा हुआ था। तो जो गंगासाही सिक्का है वो कहाँ पे चलता है, बीकानेर के अंदर, महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल 1887 से 1943 तक। अब नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, घूघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? जो घूघरी केवड़ा लोकगीत है वो है हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित ये लोकगीत है, ठीक है। घूघरी केवड़ा, ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया है, ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। ये क्या है, मेवाड़ में जो प्रचलित तांबे के सिक्के हैं वो हैं ढींगला भिंडरिया और नाथ द्वारिया। सुवटियो लोकगीत का संबंध किससे है? जो सुवटियो लोकगीत है, हमारी जो लोकगीतों की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सुवटियो लोकगीत का संबंध किससे है। अगर आपने लोकगीत गीत जो है उनकी क्लास नहीं देखी हो तो अभी जाके लोकगीतों की क्लास देखे, उनके बाद ही इस सीरीज की क्लास आप लें। सुवटिया लोकगीत है उनका संबंध है भील स्त्री से। सुवटिया लोकगीत कहाँ गाया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। जो जब पत्नी को अपने पति की याद आती है तो उस टाइम सुवटियो लोकगीत गाया जाता है भील स्त्री द्वारा। रतवाई लोक गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? जो रतवाई लोक गीत है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र कौन सा, अलवर भरतपुर वाला, मेवात अलवर भरतपुर, मेवाड़ उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला, मेवाड़ कहलाता है। तो जो रतवाई लोक गीत है वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, मेवात क्षेत्र में। जाट शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जो जाट शाही सिक्का है वो कौन सी रियासत में था, तो जो ये रियासत है वो है जयपुर रियासत। जाटशाही सिक्का जयपुर रियासत में प्रचलित था। जयपुर के जो कछवाहा शासक थे उनके द्वारा चलाया गया था ये सिक्का, कौन सा, जाटशाही सिक्का। मुगल काल में ये सिक्का बहुत प्रचलित था जाटशाही जयपुर के अंदर। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जो जला गीत है स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर है वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। जब शादी होती है तो वर की जो बारात आती है वधू के घर में, तब उनका जो डेरा डलता है वहाँ पर वर की बारात डेरा देखने जाने पर महिलाएं जो गीत गाती है उसका क्या नाम है, जला गीत। और जब दामाद अपने ससुराल जाता है उस टाइम कौन सा गीत गाया जाता है, पावणा गीत। अब हमारे क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो ऐसा कौन सा गीत है जो मतलब किसी महिला या युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, तो कुरंजा मुमल सपना गौरबंद, आपको पता है जो मुमल लोकगीत है, मुमल लोकगीत किसकी स्मृति में गाया जाता है, ये जो मुमल राजकुमारी थी, मुमल राजकुमारी कहाँ की थी ये मुमल राजकुमारी, मुमल राजकुमारी कहाँ की थी ये, जैसलमेर की, मुमल राजकुमारी जैसलमेर, जैसलमेर। इनकी सुंदरता का जो वर्णन करता है, इन जो लोकगीत इनकी सुंदरता का वर्णन करता है मुमल राजकुमारी की सुंदरता का, उसका नाम है मुमल, ठीक है। तो कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, मुमल लोकगीत।
निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा सिक्का कौन से क्षेत्र में चलता है, इनमें जो भी सुमेलित नहीं है उसको हमें छांटना है। तो जो स्वरूप शाही सिक्का है वो कहाँ पे प्रचलित था? मेवाड़ के अंदर। एकदम सही है। मदन शाही सिक्का बीकानेर के अंदर। क्या लगता है आपको, ये सही है मदन शाही सिक्का बीकानेर? एक मिनट इसको अपन छोड़ते हैं थोड़ी देर। जो विजय शाही सिक्का है वो कहाँ जोधपुर में प्रचलित था, ये भी एकदम सही है। झाड़ शाही सिक्का जयपुर के अंदर, मैंने अभी आपको बताया कि कछुआ शासकों के समय ये चलाया गया था, ये भी सही है। मदन शाही सिक्का बीकानेर, ये मदन शाही सिक्का बीकानेर में नहीं है, ये यहाँ पे गलत आंसर है। जो हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, हमें असुमेलित जो सुमेलित नहीं है वही छाटना है। तो मदन शाही सिक्का बीकानेर के अंदर नहीं, मदन शाही सिक्का कोटा के अंदर फेमस है, फेमस था उस टाइम, ये कोटा के अंदर चलता था। मदन शाही और गुमान शाही सिक्का, गुमान शाही, ये दो सिक्के कहाँ चलते थे? कोटा के अंदर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मदन शाही बीकानेर में नहीं है। बीकानेर में अभी हमने पढ़ा कि जो सालम थे उसके समय जो सिक्के चलते थे वो बीकानेर में प्रसिद्ध थे। बीकानेर में गंगा सिंह के समय गंगा शाही सिक्का भी चलता था। स्वरूप शाही मेवाड़, विजय शाही जोधपुर, जाट शाही जयपुर। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि सोहन रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। कौन सी ऐसी रानी थी जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो वो रानी थी सोमल देवी। सोमल देवी, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है अजमेर से, अजमेर से। ये सोमल देवी जो है वो जो अजयराज थे, अजयराज चौहान, अजयराज, उनकी धर्म पत्नी थी। अजयराज चौहान की धर्म पत्नी थी सोमल देवी की पत्नी। इन्होंने इन मतलब चौहान रानी थे, इनके अपने नाम के सिक्के चलते थे। सोमल देवी के अपने नाम के सिक्के चलते थे। इनका दूसरा क्या नाम था, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? सोमलेखा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, सोमलेखा के नाम से इन्हें जाना जाता है। लल्लूलिया एवं लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? जो ये सिक्के हैं लल्लू शाही सिक्के, इनका निर्माण जो होता था वो सोजत पाली के अंदर होता था। सोजत पाली में इनका निर्माण होता था। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है लल्लू शाही सिक्कों को? जो बाईसंदा सिक्का है वो भी इन्हें कहा जाता है, बाईसंदा सिक्का, लल्लू शाही सिक्का सिक्कों को। और नागौर के अंदर कौन से सिक्के, जो कुचामन है, नागौर के अंदर कुचामन शहर है, वहाँ पर कौन से सिक्के चलते थे उस समय? यहाँ पर चलते थे जो इकतीसंदा सिक्का है वो कुचामन नागौर के अंदर चलता था। ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। तो आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज हमारे टोटल जो है अब तक 10 क्लासें हो चुकी हैं। 10 क्लासों को पढ़कर आपको कैसा लगा अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे हम क्या इसमें चेंज कर सकते हैं एक बार हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो भी वीडियो आने वाली है उनको आप आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।